राज्य में प्याज के बढ़ते कीमतों के बाद सरकार के द्वारा आम लोगों तक प्याज की पहुंच बनाने के लिए उसे खुदरे दरों पर बेचा जा रहा है। राजधानी की कई जगह में प्याज को मात्र 25 रुपए किलो आम लोगों के लिए मुहैया कराया जा रहा है और यह प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा पहल है कि एनसीसी जो पूरे भारत में है आज 60 रुपए 65 रुपए, अभी पता चला कि दिल्ली में 80 रुपए प्याज बिक रहा है, लेकिन यहाँ पर 55-60 का रेट है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा 25 रुपए ही हर व्यक्ति के पास 2-2 किलो पहुँचे, ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके कारण महंगाई पर काबू पाया जाए और हर घर में प्याज का किल्लत ना हो, हर घर को प्याज आसानी से मिल सके, इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। रियायती दर पे उपभोक्ताओं के लिए सस्ते दर पे प्याज 25 रुपये किलो दिया जा रहा है। आज हमारा ये स्टार्ट है एक पॉइंट से और एक दो गाड़ियाँ भी निकलेंगी हमारे यहाँ से, जो अब कल से हम लोग 10 पॉइंट चलाएंगे, 10 अलग अलग मोहल्लों में, कॉलोनियों में, अलग अलग जगहों पे गाड़ियाँ जाया करेंगी और डेली मेरा टारगेट है कि 10 टन हम प्याज पटना में बेच पाए। अब आगे देखते हैं कि अगर ज़्यादा हो तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, 10 से 15 12 करेंगे, 13 करेंगे। कैसे किलो प्याज आप लोग देंगे? 25 रुपए किलो प्याज देंगे। मार्केट में क्या रेट चल रहा है? 55-60 चल रहा है। पटना से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट।